नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिनों आईपीएल 2020 का खुमार पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। 10 नवंबर को खत्म हो रहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग के बाद क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और सीरीज में रोमांच फिर बढ़ने वाला है। आईपीएल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो जाएगी। इसके लिए विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टेस्ट, टी20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी एरोन फिंच के ही हाथों में होगी। कैमरून ग्रीन को पहली बार टीम में चुना गया है। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के अलावा 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्शन पैनल ने गुरुवार को भारत के साथ खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का चयन किया। 18 सदस्यीय टीम में ग्रीन एक नया चेहरा है, बाकी सब अनुभवी खिलाड़ियों को ही टीम में रखा गया है। नेशनल सिलेक्टर ट्रेवर हॉर्न्स ने कहा, इस पूरी टीम ने यूके में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और उनके घर पर मौजूदा वनडे चैंपियन को हराया और टी20 रैंकिंग में पहली स्थान पर बनी रही। हम अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक बड़े धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको इस टीम से रूबरू कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20 टीम इस प्रकार है। एरोन फिंच कप्तान, शीन एबॉट, एस्टन एगर, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, पैट कमिंस कप्तान, कैमरून ग्रीन, जॉस हेजलवुड, मोजेस हेनरिक्स, मानस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल सेम्स, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वॉर्नर और एडम जंपा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली आगामी सीरीज के आयोजन स्थल और तारीख का फैसला कर लिया गया है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 27 और 29 नवंबर को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इन दोनों ही मुकाबले की मेजबानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को चुना गया है। आखिरी मुकाबला 2 दिसंबर को कैनबरा में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेली जाने वाली टी20 सीरीज कैनबरा और सिडनी में ही खेली जाएगी। पहला मैच 4 दिसंबर को कैनबरा, जबकि सीरीज के बाकी दो मुकाबले 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।